गाइस मैं आशुतोष द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल आशुतोष द ट्रैवलर पर। तो अभी आप मेरे पीछे दिल्ली में भीड़ देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन के पास और आवाज़ मेरी थोड़ी कम आ रही होगी। हम लोग गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन से निकल के आ गए हैं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे जेएलएन स्टेडियम एक्सप्लोर करेंगे हुमायूं। गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में ना चढ़ें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। Hey guys, मैं हूं आशुतोष द्विवेदी एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस अभी बजे दिन के 11 और हम लोग पहुंच चुके हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे हुमायूं टॉम के लिए और फिर एक्सप्लोर करेंगे हुमायूं टॉम। ये सामने ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे तो पहुँचेंगे हुमायूं टॉम। तो गाइस थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए हुमायूं टॉम। वो है उधर से एंट्री हुई है वहाँ से हम लोग आए। यहाँ पे टिकट मिलेगा और ये है एंट्री हुमायूं टॉम। तो गाइज मशक्कत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि बाहर से आइडिया नहीं लगता कि हाँ इधर ही है हुमायूं टॉम। जेएलएन स्टेडियम पहुँचने के बाद आप यहाँ के लोकल से पूछोगे तो वो आपको रास्ता बताएंगे। तो अभी चलिए हम लोग टिकट लेके एंट्री करते हैं। मैं अंदर नहीं ले जा पा रहा हूँ, ना ट्राइपॉड ना माइक, मैम के साथ ये रख दे रहा हूँ। मैम रिटर्न मिलेगा ना मुझे? कह रही हैं रिटर्न मिलेगा। चलिए भगवान भरोसे है। मैम के भरोसे ठीक। तो गाइस फाइनली हम लोग की एंट्री हो चुकी है और थोड़ा तो अफसोस है, मेरा माइक और स्टैंड उन्होंने वापस वहीं पे गेट पे ही रखवा लिया है। बैग के अंदर चेक कर लेते हैं लोग क्या क्या रखा है, लेकिन व्लॉगिंग रुकेगी नहीं, व्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगी। तो गाइस वो जो रास्ता है वो हुमायूं के मकबरे का रास्ता है, उधर से हम लोग हुमायूं का मकबरा देखने चलेंगे। और ये इधर जो आप देखने जा रहे हैं ये है हुमायूं के मकबरे से भी 20 साल पहले बना ईसा खान का मकबरा। ये है मेरे पीछे ईशा खान जी का मकबरा जो हुमायूं के मकबरे से भी 20 साल पुराना है। काफ़ी वेट करने के बाद मेरा भाई आ रहा है और ही इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई टू एक्सप्लोर दिल्ली। कैसे हो ब्रदर? एकदम आप बताओ कैसे? मैं मस्त हूँ। काफ़ी टाइम लगा दिया तुम्हारे? हाँ रास्ता नहीं मालूम था, फर्स्ट टाइम है मेरा। ये तो आपने सुना ही होगा कि सैर कर दुनिया की जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर का। इसीलिए मैं क्या हमेशा कहता हूँ घर पर बैठ के क्या करना है, अब उतनी चार दीवार के बीच में ही रहेंगे, बाहर निकल लिया कुछ एक्सप्लोर करिए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो आइए अब हम सर से ये जानते हैं स्टॉम्प के बारे में। जी सर। ईसा खान वो थे जो शेर शाह सूरी के शुभचिंतक और विश्वास पात्र दरबारी थे। ये समझना है कि ये शुभचिंतक विश्वास पात्र दरबारी कैसे बने। 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध होती है, हुमायूं के शासनकाल में, जिसमें हुमायूं की हार होता है, शेर शाह सूरी का जीत होता है। हुमायूं यहाँ से हार करके अमरकोट चले जाते हैं जो आज के डेट में अमरकोट पाकिस्तान का हिस्सा बना हुआ है। शेर शाह सूरी ने इतनी बड़ी साम्राज्य तो जीत लिया लेकिन सियासत को चलाने के लिए उनके पास धन नहीं था। उस समय भारत में बंगाल में जन्मे नियाजी ईसा खान इनका नाम है, इनके पिता अफगान के थे। ये उस समय भारत में सबसे अमीर आदमी थे। इन्होंने शेर शाह सूरी के शुभचिंतक विश्वास पात्र दरबारी बनकर मदद की, साम्राज्य को इन्होंने चलवाया।
1548 में इनका डेथ हो गया, 1554 में इनकी वाइफ का नियाजी ईशा खान, नियाजी ईशा खान ये उनकी वाइफ, ये इनके लड़के, वाइफ नाम, नाम नहीं इनका, और ये उनके बेटे, बेटे, और ये दोनों तीनों बेटे के दोनों बेटे हैं। अच्छा, एक लड़की, लड़की इसी में था, मतलब पूरे परिवार का, ये नीचे है, ओरिजिनल ग्रेव नहीं है, डुप्लीकेट है, इसके नीचे ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, जहाँ किसी की एंट्री नहीं। ईसा खान एक मुस्लिम राजपूत जमींदार थे जो 16वीं सदी के बंगाल में बारो भुइया और खिजीरपुर के जमींदार थे। अपने पूरे शासनकाल में उन्होंने मुगल साम्राज्य के आक्रमण का विरोध किया। उनकी मृत्यु के बाद ही यह क्षेत्र पूरी तरह से मुगल नियंत्रण में आ गया था। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इतिहास के एकमात्र मुगल बादशाह जिसका मकबरा उसकी बीवी यानी कि हाजी बेगम ने बनवाया था, जो कि जस्ट मेरे पीछे। तो गाइज ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा मुगल इतिहास का एकमात्र ऐसा मकबरा है जो खुद उसकी बीवी यानी कि हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, जिसे हाजी बेगम के भी नाम से जाना जाता है। तो गाइस कभी भी आप हुमायूं टॉम्ब आइए तो वहाँ से एंट्री लेने के बाद, उस गेट से एंट्री लेने के बाद आप राइट हो जाइए ताकि ये लोकेशन आपको मिल सके। ये हुमायूं टॉम्ब का सबसे पैट लोकेशंस में आता है। हुमायूं का मकबरा विश्व धरोहर घोषित है एवं भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे में वही चारबाग शैली है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1562 में बना था। वहाँ से एंट्री हो चुकी है, वहाँ से हम लोगों ने टोकन लिया, अब टोकन लेके इधर एंटर करने चल रहे हैं हुमायूं टॉम्ब में। तो ये चलते हैं फिर। अनुराग जी आर यू रेडी? यस ब्रो, लेट्स गो देन। तो अभी फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हम लोग स्टॉम्प के। ये पूरा टेरेस है, वहाँ टिकट, और मेरे भाई की ब्लॉगिंग से ऑलरेडी मैं परेशान हो चुका हूँ और देखते हैं क्या होगा दिन में आज। और मेरे साथ और नहीं चलना चाहता। गाइस इतिहासकारों का मानना है कि हुमायूं एक ऐसा मुगल बादशाह था जो लुढ़क लुढ़क कर जिया और लुढ़क लुढ़क कर ही मरा। उसका रीज़न ये है कि हुमायूं के पिता यानी कि बाबर, उनका एक सपना था कि वो हिंदुस्तान पर राज करें। उसी सपने को लेकर हुमायूं आया था भारत, और यहाँ हुमायूं ने मुग़ल साम्राज्य स्थापित भी किया था, कुछ वर्ष शासन भी किया था, लेकिन एक हिंदू शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त करके मुग़ल शासन को उखाड़ फेंका था, जिसकी वजह से हुमायूं काफ़ी निराश हुआ था। उसने सोचा था जिस मुग़ल एम्पायर को उसके पिता बाबर ने इतनी मुश्किलों के बाद इस्टेब्लिश किया था, ऐसे यूं अचानक वो वेस्ट नहीं होने देगा। यही रीज़न था। उसके बाद वापस से कुछ सालों बाद हुमायूं आया और मुग़ल साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया। तो ये था उसके लाइफ का स्ट्रगल, जो कि कहा जाता है कि वो लुढ़क लुढ़क कर जिया। वो एक पुस्तकालय के सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी, और इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि वो लुढ़क लुढ़क कर जिया और लुढ़क लुढ़क कर ही मारा। तो ये हुमायूं का मकबरा है और इतिहास में सबसे अभाग्यशाली मुग़ल बादशाह हुमायूं को ही कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोग उसके टॉम्ब में एंटर करेंगे, हुमायूं टॉम्ब। ये जो मकबरा है हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, जिनका खुद का मकबरा उधर है जो हम खुद देखने चल रहे हैं। जब वो एक्सपायर हुई तो उनका मकबरा इधर बनाया गया, वो सामने देख सकते हैं, वहाँ उनका मकबरा। ये रहा हुमायूं की बेगम हाजी बेगम का मकबरा।
ये हाजी बेगम का मकबरा है उनकी पहली बीवी, और ये हमीदा बेगम का मकबरा है, और इन्होंने ही हुमायूं का मकबरा बनवाया है जो कि उधर था जो हम लोगों ने देखा। इस टॉम के लेफ्ट में इधर हुमायूं के जो बाकी फैमिली मेम्बर्स थे उनके टॉम में, वो उधर आप देख पा रहे हैं। ये गाइज ये हुमायूं का मकबरा है, और हुमायूं का जो नाई था यानी कि जो उसका बाल बनाता था उसका मकबरा ये, यानी कि यहाँ पे आपको हुमायूं के नाई का भी मकबरा मिलेगा। तो ठीक है गाइज, ये थी आज की कहानी आशुतोष की ज़ुबानी। हम और मेरा भाई अनुराग अब यहाँ से निकल रहे हैं, और बंगला ये साहिब के लिए। अब यहाँ सब लोग निकल रहे हैं बंगला साहिब के लिए। यस, तो अभी वहाँ पे हम लोग लंगर एंजॉय करेंगे, फिर थोड़ी सी एनर्जी आएगी, उसके बाद फिर आज के लिए निकलेंगे और जा करेंगे और दिल्ली और बाकी किला, और आज उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे पुराना किला और जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग्स में, तब तक के लिए नमस्कार।